हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मयंक तिवारी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इस सेक्शन से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टीफन हेल्स। इनका नाम मैं लिख देता हूं। यह बच्चों इनका नाम स्टीफन हेल्स, आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। तो जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है प्लांट में, उनके लिए वाटर इज मस्ट। मतलब बिना वाटर के आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज नहीं हो सकती प्लांट में। तो वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं प्लांट बॉडी में, आपको पता होना चाहिए। बच्चों, रोल्स ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म का हाइड्रेशन होगा तभी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर फंक्शनिंग होगी ऑर्गेनिज्म की। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट्स हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वाटर इज द कैरियर। हाँ तो स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर इज कैरियर। अब कैरियर किस चीज का है? वाटर कैरियर है डिजॉल्व सब्सटेंसेस, जैसे गैसेस, मिनरल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनका जो कैरियर है वो वाटर है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल वॉल के लिए वाटर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाटर फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क थ्रू आउट द प्लांट। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक वाटर एक कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है प्लांट के अंदर, जिससे आपके डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव करते हैं और जो ट्रांसपिरेशन और गटेशन की फॉर्म में पानी बाहर आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन में ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ट्रांसपिरेशन में आपसे एंटी ट्रांसपेरेंट पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बहुत मतलब जितने भी टाइप के एंटी ट्रांसपेरेंट हैं उनकी एग्जांपल बता देता हूँ। बच्चों, जो मैं कह रहा था आपसे एंटी ट्रांसपेरेंट, उसके बेसिकली चार टाइप्स हैं, वो मैंने इसमें लिख दिए हैं सारे। तो देखो आप, सबसे पहले स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, इसके एग्जाम्पल हैं ABA। ABA मीन्स एब्सेसिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल है PMA। PMA स्टैंड्स फॉर फिनाइल मर्क्यूरी एसिटेट। तो आप ध्यान रखना, इनमें से आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सा टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट है। फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, मूवी लीफ, हेक्साडेकोनॉल, सिलिकॉन ऑयल, वैक्सेस। तीसरा जो टाइप है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट में है सिलाइट और 5% केओलिन स्प्रे। और ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट में है साइकोसील। अब जो दूसरा वर्ड आया था, आप अगर लास्ट पॉइंट देखो रोल ऑफ वाटर में, वो था गटेशन। तो गटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, गटेशन में क्या होता है, जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं उनमें पर्टिकुलरली नाइट टाइम के दौरान कुछ वाटर एग्जुडेट होता है स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स है। उन पोर्स का नाम होता है हाइडाटोड्स। आप पोर का नाम याद रखना, मैंने लिखा हुआ है HYDATHODES। तो स्पेसिफिक पोर्स है हाइडाटोड्स, इनसे वाटर एक्सुडेट होता है हर्बेशियस प्लांट में नाइट टाइम के दौरान, उसको बोलते हैं गटेशन। तो एक्सुडेशन ऑफ सैप थ्रू हाइडाटोड प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेन्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। इसकी डेफिनेशन आप याद रख लेना। अब ये गटेशन का कॉज पूछा जाता है कि गटेशन का कॉज क्या होता है। तो द कॉज ऑफ गटेशन इज रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या होता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन जाइलम डक्ट ऑफ रूट सिस्टम, इसी को ही हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो आप याद रखना, गटेशन का कॉज होता है रूट प्रेशर, ठीक है। अभी गटेशन के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए और ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। अब ध्यान रखना, पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए और ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए, तभी गटेशन होगा। दूसरा, वार्म सॉयल एंड ह्यूमिड और कूल एटमोसफेयर। सॉइल जो होनी चाहिए वो वार्म होनी चाहिए और कूल और ह्यूमिड एटमोसफेयर होना चाहिए। वार्म डे एंड कूल नाइट, ठीक है। जैसी ये कंडीशन आपकी कूल विंटर सीजन में काफी अच्छे से अवेलेबल होती है, ये ध्यान रखिएगा। गटेशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गटेशन नॉर्मली अकर्स एट नाइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट एट लीव टिप और लीफ मार्जिन
ऑफ सम प्लांट ड्यूरिंग विंटर इज ड्यू टू गटेशन, ये भी आप ध्यान रखेगा। बट जो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस कई बार पूछे जाते हैं, तो ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि ये सिर्फ डे टाइम में होता है, गटेशन नाइट टाइम में होता है, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन में जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है, गटेशन में लिक्विड की फॉर्म में वो होता है वाटर लॉस। उसके बाद आपका जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा से, लेंटिसल से और क्यूटिकल से होता है, जो गटेशन होता है वो हाइड्रोथ्रोट से होता है, आप ये ध्यान रखेगा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन रेगुलेटेड होता है और कंट्रोल होता है स्टोमेटल एक्टिविटीज के द्वारा, और गटेशन इज रेगुलेटेड बाय रूट प्रेशर। मैंने आपको बताया था जो कॉज होता है वो रूट प्रेशर होता है गटेशन का, और रूट प्रेशर क्या था, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड इन जाइलम डक्ट्स ऑफ रूट सिस्टम। जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि डेवलप होता है जाइलम डक्ट के रूट सिस्टम में, उसको हम गटेशन बोलते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से कूलिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसपिरेशन से प्लांट में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड, एक साइंटिस्ट है कर्टिस, इनकी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ बच्चों, ये है कर्टिस की स्पेलिंग। तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट आता है और पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो कर्टिस ने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एविल। उसके बाद बच्चों ट्रांसपिरेशन में द वॉटर इज प्योर, और गटेशन में वॉटर कंटेन डिजोल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स। अच्छा बच्चों, हाइड्रोथ्रोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल फाउंड एट लीफ टिप, लीफ टिप या लीफ मार्जिन में आपको जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल मिलते हैं उनको हाइड्रोथ्रोट्स बोलते हैं। और द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा बीनीथ हाइड्रोथ्रोट्स, जो ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा है हाइड्रोथ्रोट के नीचे, उसे बोलते हैं एपिडर्म। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। तो बच्चों ये सेकेंड वाला टर्म भी आप ध्यान रखिएगा, एपिडर्म, ये क्या है, द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमा फाउंड बीनीथ हाइड्रोथ्रोट्स इज कॉल्ड एपिडर्म, प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों, ये जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था रोल ऑफ वाटर में, इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि प्रोटोप्लाज्म डेड है या लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इसको भी आप ध्यान रखेगा। उसके बाद जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो दिया था पुर्किंजी, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं। एक जो साइंटिस्ट हैं पुर्किंजाय, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। और बच्चों एक टर्म है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखोगे इसको, ऐसे पूछते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, तो एक साइंटिस्ट थे हग्सली, ठीक है बच्चों, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, हग्सली एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, 80-90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वॉटर, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटोप्लाज्म इज कोलोइडल इन नेचर एंड हेट्रोजीनियस, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म का नेचर है वो कोलोइड होता है और ये हेट्रोजीनियस होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बच्चों अभी एक वर्ड मैंने यूज किया कोलोइड, तो कोलोइड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है उसको हम कोलोइड कहते हैं। अब कोलोइड में भी आपको अलग अलग टाइप के कोलोइड्स देखने को मिलेंगे, जैसे एरोसॉल, फोम, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल या फिर सॉलिड सॉल। अब इसमें आपको पता है, आपने क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो मैं सारे आपको एक बार एग्जाम्पल जो है वो एक टेबुलेटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, पहले एग्जाम्पल है एरोसॉल, लिक्विड इन गैस, मतलब जो डिस्पर्स फेज होगा एरोसॉल में वो होगा लिक्विड, और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो होगा गैस। अब एरोसॉल के एग्जाम्पल आपसे कई बार पूछे जाते हैं, फॉग, क्लाउड और मिस्ट, जो एग्जाम्पल है वो है एरोसॉल का। उसके बाद एरोसॉल का एक दूसरा फॉर्म भी होता है जिसमें सॉलिड डिस्पर्स फेज होता है और गैस डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये जो है ये आपका एग्जाम्पल है एरोसॉल का। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्मोक दे देगा आपको क्वेश्चन में और पूछेगा कि स्मोक इज अ टाइप ऑफ विच कोलॉइड, एरोसॉल नहीं दिया होगा ऑप्शन में, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड या फिर गैस इन लिक्विड, तो आपको सॉलिड इन गैस में टिक मानना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों फोम,
फोम बहुत इजी है याद रखना, गैस एंड लिक्विड, शेविंग क्रीम जो है इट इज एग्जांपल ऑफ फोम। उसके बाद इमल्शन, जैसे आपको पता होगा जो मिल्क है वो इमल्शन है, तो डिस्पर्स फेस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आपका मिल्क और फेस क्रीम। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। उसके बाद सोल, सोल में जो है सॉलिड इन लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड जो है वो सोल का एग्जांपल है। उसके बाद बच्चों जैसे एरोसोल के दो फॉर्म थे वैसे ही फोम के भी दो फॉर्म है, तो जैसे ऊपर था गैस एंड लिक्विड, यहाँ पे दूसरा वाला जो फॉर्म है फोम का वो है गैस एंड सॉलिड। उसमें है रबड़, स्पंज, प्यूमाइज, ये सारे आपके गैस इन सॉलिड टाइप फॉर्म है। उसके बाद है जेल, जेल है लिक्विड इन सॉलिड, जैसे जेली, चीज और बटर। उसके बाद है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल में सॉलिड इन सॉलिड, एग्जांपल कलर्ड लाइमस्टोन और मिल्क, और ग्लास भी इसका एग्जांपल है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों सेकेंड ऑर्गेनल जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसमें पोर्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज केमिकली लिपोप्रोटीन, आप ध्यान रखें। तो बच्चों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो केमिकली लिपोप्रोटीन होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये बनती है। उसके बाद ट्रू न्यूक्लियस, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस किस किस में नहीं होता, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिफरेंसेस आपको पता होंगे। तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज इसे। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और बट न्यूक्लियर मटीरियल आर प्रेजेंट इन देम, मतलब ट्रू न्यूक्लियस तो होगा नहीं इनमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मटीरियल इनमें प्रेजेंट होगा, सॉरी। उसके बाद न्यूक्लियस इन एब्सेंट इन मैमिलियन आरबीसी, मैमिलियन आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। और सीफ ट्यूब ऑफ फ्लोएम में भी आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर आपको न्यूक्लियस सैप मिलेगा और कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोफ्लिड, ये तीनों एक ही के नाम है, तो ये चीजों दोनों चीजें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलेंगी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरॉइडल एंड डेंसेस्ट ऑर्गेनेल इन न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है और ये एक स्फेरॉइडल शेप की होती है, और डेंसेस्ट ऑर्गेनेल इन न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस, ये आप ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, आप ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोलस का डिस्कवरर भी कई बार पूछा जाता है, तो एक साइंटिस्ट था फोंटाना, उसने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था, ठीक है, तो प्लीज इसका कंफ्यूजन आप मत कीजिएगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये स्फेरॉइडल होता है और ये डेंसेस्ट ऑर्गेनेल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के अंदर ही आपका डीएनए होता है। बच्चों एक टर्म है क्रोमोसोम, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ हेरिडिटी यूनिट, मतलब जितने भी आपके जीन्स वगैरह होते हैं ये सारे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ हेरिडिटी यूनिट भी कहते हैं। और क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट सीन बाय स्ट्रॉसबर्गर, बच्चों एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसबर्गर, इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था, लेकिन द नेम क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय वाल्डियर, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्रोमोसोम को सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो नेम है वो दिया था वाल्डियर ने, ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। और क्रोमोसोम जो वर्ड है वो दो और इम्पोर्टेंट वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी, आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि इसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था अल्टमैन ने, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो आइडेंटिफाई किया था अल्टमैन ने, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ही कहा था अल्टमैन ने कि ये एसोसिएटेड है रेस्पिरेशन के साथ। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ये दिया था बंडा ने, बी ई एन डी ए इसकी स्पेलिंग है, तो ये नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया देखिए
अब इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं, अगर वो पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय तो आप अल्टमान मारिएगा, अगर वो पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय तो कॉलिकर, ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है, कॉलिकर इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए इसे ध्यान रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्वेश्चन आता है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रैब साइकिल, ये जो होती है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि साइट अगर पूछे तो साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आपको पता होनी चाहिए, साइटोसोल में आपका ग्लाइकोलिसिस चलती है। बच्चों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड, तो प्लास्टिड में भी आपका दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को अगर हम दो कैटेगरी में बांटे तो एक कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और एक कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कलर्ड प्लास्टिड और कलरलेस प्लास्टिड, जो कलर्ड होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ल्यूकोप्लास्ट में सबसे पहले होता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है। उसके बाद है एलिलियोप्लास्ट, एलिलियोप्लास्ट आपका ऑयल स्टोर करता है। उसके बाद है एल्यूरियोप्लास्ट, एल्यूरियोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन स्टोर करता है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सारे क्लोरोफिल के टाइप हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है, या बुक में देख सकते हैं, जो बुक में यूज कर रहा हूँ वो है अरुण कात्यान वॉल्यूम 2, ठीक है, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है, इसका फॉर्मूला आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, C55S72O5N4Mg, वैसे पूछा नहीं जाता किसी भी एग्जाम में। क्लोरोफिल बी ग्रीन ब्लैक कलर का होता है, कैरोटीन येल्लो ऑरेंज कलर के होते हैं और जेंथोफिल येल्लो कलर के होते हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेंगी। अब बच्चों इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी बोलते हैं। बच्चों RER और SER, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम जुड़े नहीं होते हैं इसलिए स्मूथ होती है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, प्रोटीन या प्रोटीन ऑन राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रीट करेगी लिपिड, वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स, मतलब बहुत सारे पॉइजन और ड्रग को भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है। अब बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एक साइंटिस्ट था क्लॉडे, एक साइंटिस्ट थे क्लॉडे, इन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन इन्होंने इसका नाम जो था वो माइक्रोसोम दिया था, ठीक है। उसके बाद पैलेट एक साइंटिस्ट था, इसने आइसोलेट किया था राइबोसोम को, ठीक है, लेकिन जो टर्म राइबोसोम है ये रॉबर्ट ने दिया था, प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। उसके बाद बच्चों तीन तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जो एमआरएनए होता है, एम का मतलब है मैसेंजर, तो मैसेंजर आरएनए 5-10% होता है टोटल आरएनए का। उसके बाद टीआरएनए होता है, टी का मतलब ट्रांसफर, इसको सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टीआरएनए इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूबल आरएनए, और 10-15% टोटल आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज, और इसका जो मॉडल होता है उसको क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद आरआरएनए इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप ध्यान रखिएगा, 80% ऑफ टोटल आरएनए इज आरआरएनए, और मोस्ट स्टेबल आरएनए भी आरआरएनए को ही बोलते हैं। बच्चों क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की मैं बात कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस में दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन, ये आपको पता ही होगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू प्रोटीन, मतलब सबसे पहले आपको अगर सेंट्रल डोगमा वाला मॉडल याद होगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहले डीएनए से एमआरएनए में जाती है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है, जब
डीएनए से एमआरएनए में जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो डिक्टायोसोम भी इसका नाम है, इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी है। और गोल्गी बॉडी आर फॉर्म्ड बाय स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है डायग्राम में देख सकते हो, जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है जिनसे गोल्गी बॉडी बनती है उसको बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, आप इसका नाम ध्यान रखना। और गोल्गी बॉडी का जो ओरिजिन होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये भी आप ध्यान रखना। और एक्रोसोम, एक्रोसोम एक टर्म है, इट इज एसोसिएटेड विद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आप ये ध्यान रखेगा। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स करते क्या है, ये करते हैं कि स्टोरेज मॉडिफाई और पैकेजिंग और कंडेंसेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन राइबोसोम, जो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है उसका स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग और कंडेंसेशन आपका ये गोल्गी अपरेटस करते हैं, दे फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिविजन, ये आप ध्यान रखेगा। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब है लाइसिस मीन्स डाइजेशन और सोमा मीन्स बॉडी, तो लाइसोसोम जो होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम ईआर, ये आप ध्यान रखेगा। एक साइंटिस्ट थे डी ड्यूव, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूव, इन्होंने आपका इसको डिस्कवर किया था लाइसोसोम को। ये मेनली एनिमल्स में मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा प्लांट में भी आपको लाइसोसोम मिलेंगे। एनिमल्स में पर्टिकुलरली एपिथीलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन और किडनी सेल लाइसोसोम में काफी रिच होते हैं। लाइसोसोम का काम आपको पता होना चाहिए कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं ये, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सेल को लाइसोसोम, और डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस लाइसोसोम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट वो है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में इनका काम होता है स्फेरोसोम का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों जो अगली चीज है वो है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल में होता है, ये ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ सेल वॉल्यूम आपका टोनोप्लास्ट ही ऑक्यूपाई करता है, टोनोप्लास्ट या फिर वैक्यूल, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसमें सेल सैप होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में काफी मदद करता है प्लांट के, टोनोप्लास्ट आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टर्म है प्लाज्मोडेस्माटा, ये आपको पता ही होगा प्लांट्स में ही ये पाई जाती है और ये सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गन ने डिस्कवर की थी। इसका जो ओरिजिन है वो ईआर से होता है, आपको पता है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। अब बच्चों लास्ट जो टर्म है वो आपको बताता हूं, बच्चों लास्ट टर्म जो है वो है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है सारे एनिमल सेल्स में, ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कुछ फंजाए और जिम्नोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। माइटोसिस के टाइम पे जो सेंट्रोसोम होते हैं ये अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और एस्ट्रल रेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एस्ट्रल रेज का नाम आप ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस के टाइम पे जो सेंट्रोसोम होते हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और एस्ट्रल रेज